जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। एंड दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में आपको यहाँ पे आईफोन 14 प्लस में iOS 17.6 पब्लिक बीटा 2 का जो है रिव्यू प्रोवाइड करने वाला हूँ कि आपको ये वाला अपडेट करना चाहिए या फिर स्किप करना चाहिए, क्या कुछ प्रॉब्लम है स्टोरेज से रिलेटेड या फिर परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी लाइफ कैसा है, सारा कुछ इस वाले वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो फिर आप जो है वीडियो पे ज़रूर से एंड तक बने रहना। तो फिर दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 17.6 पब्लिक बीटा का यहाँ पे मैं साइज़ देख सकते हो, 6.21 GB का था साइज़, ठीक है। और यहाँ पे जब मैंने अपडेट किया था उसके बाद जो है मेरा यहाँ पे स्टोरेज जो है काफ़ी थोड़ा बहुत 1 GB के आसपास खाली हो गया है। एंड यहाँ पे वैसे भी मेरा यहाँ पे केज डेटा वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। सो स्टोरेज से रिलेटेड जो है आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। एंड स्टोरेज से रिलेटेड आपको अगर कोई बग भी था, हो सकता है वो भी फिक्स हो जाए। उसके बाद दोस्तों मैं बताता हूँ आप लोगों को इसका परफॉर्मेंस। दोस्तों गेमर हो तो फिर आप लोगों के लिए एक अच्छा न्यूज़ है, यहाँ पे नॉर्मल बीटा 1 से जो है थोड़ा बहुत अच्छा ही निकला है गीकबेंच का स्कोर, जितना मैंने ऑनलाइन चेक किया था। आप चाहो तो फिर इस वाले अपडेट को करके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बता कमेंट में बता सकते हो, परफॉर्मेंस में कोई डिग्रेड आया है या फिर नहीं आया है, मल्टीटास्किंग वगैरह सारा कुछ यहाँ पे ठीक ठाक चल रहा है दोस्तों, ठीक है। आपको यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगर मैं नेटवर्क से रिलेटेड बात करूं तो फिर मुझे जो है अब तक यहाँ पे कोई भी नेटवर्क से रिलेटेड इशू देखने को नहीं मिला है। वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह सारा कुछ यहाँ पे एयर ड्रॉप सारा कुछ ठीक ठाक वर्किंग कर रहा है, आपको वो कर रहा है, कोई भी ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा है अभी यहाँ पे। सो नेटवर्क और स्टोरेज से रिलेटेड आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं पड़ेगा। बैटरी लाइफ तो मैं नॉर्मल बोल सकता हूँ, वैसे भी यहाँ पे समर का सीज़न अगर चल रहा है, मेरा यहाँ पे बैटरी हेल्थ जो 96 पे आ गया है, क्योंकि मेरा बैटरी हेल्थ पता नहीं क्यों बहुत जल्दी जल्दी डिग्रेड होने लगा है अभी। एंड मैंने लास्ट चार्ज 95 किया था यहाँ पे, लास्ट चार्जिंग में आपको स्क्रीन टाइम के ऊपर लेके चला जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेरा डेली का यहाँ पे यूजेस देख सकते हो, 5 hours and 49 minutes का है यहाँ पे मेरा, इतना जो है ये नॉर्मल यूजेस में आपको लास्टली 10-20% आपको बैकअप देखने को मिलेगा इतना यूज़ करने के बाद, ठीक है। सो बैटरी लाइफ वैसा नॉर्मल है, 19-20 का ही फ़र्क है, ज़्यादा अच्छे से नहीं मैं बता सकता हूँ। वैसे बीटा अपडेट्स को देखते हुए बैटरी ठीक ठाक ही है। दोस्तों अब बात करते हैं किन लोगों को ये वाला अपडेट को करना चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल सा यूज़र हो तो फिर आपको बिल्कुल ही मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। अगर 17.5.1 में प्रॉब्लम आ भी रहा है थोड़ा बहुत, तो फिर थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, क्योंकि स्टेबल वर्जन ही अपडेट करना, क्योंकि एक नॉर्मल यूजर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है ऐसे जो है सॉफ्टवेयर डाउनग्रेड और अपग्रेड करते हुए। इसके बाद का अगर मैं बताऊँ तो फिर आपको यहाँ पे जो जो बीटा यूज़र हो अपने फ़ोन में बीटा वाले अपडेट्स को यूज़ करते हो या फिर टेस्टिंग वगैरह करते हो, तो फिर वो लोग जो ये वाला अपडेट को डेफिनेटली कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। बाय बाय।